In this video, we discuss about hydrosphere. The hydrospheres comprise oceans, sea, lakes, river, frozen water, underground water, and the water vapor in the atmosphere. Many hydrospheres have ocean, sea, lakes, river, frozen water, underground water, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं वो कंबाइनली कंप्रेस होकर हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करते हैं। हाइड्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर अ वाटर, यानी वाटर को ग्रीक लैंग्वेज में हाइड्रो कहा जाता है। दैट मीन्स हाइड्रो वर्ड इज अ कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। वाटर कन्वर्ट्स अ मोर देन 70% ऑफ अ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पर हमें 70% से ज़्यादा जो है वो वाटर देखने को मिलता है, यानी अर्थ को वाटर ने 70% से ज़्यादा कवर किया हुआ है। रिकॉल दैट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट अर्थ बीइंग कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, यानी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अगर रिकॉल अगर हम याद करें तो इससे जब हमने प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया था उसके अंदर अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि स्पेस से जब अर्थ की फोटोग्राफ्स ली गई तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ब्लू दिख रहा था, और वो ब्लू जो है वो पानी था, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द ओशंस एंड द सीज दैट हैव अ सलाइन वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट 97.3% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी हाइड्रोस्फीयर को बनाने में ओशंस और सीज जो है उसका 97.3% पार्ट है। पर वो कैसा पानी है? सलाइन वाटर, यानी कि खारा है। ओनली द 2.7% ऑफ द वाटर of the hydrosphere is a fresh water with no salt content, यानी fresh water और पीने लायक पानी जो है वो सिर्फ 2.7% ही है हमारे hydrosphere में, जिसके अंदर salt नहीं देखने को मिलता है। Water keeps changing from a one form to another in a cyclic manner within the hydrosphere, यानी hydrosphere के अंदर हमारा वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है थ्रू द साइक्लिक मैनर, यानी वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। द एंडलेस सीरीज ऑफ चेंजेस अंडरगो बाय वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर बिटवीन सी एयर एंड लैंड इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और द वाटर साइकिल, यानी जिसके अंदर वाटर जो है वो एक के बाद एक फॉर्म में कन्वर्ट होता रहे, और कन्वर्ट होने के बावजूद भी उसका लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, और जिस साइकिल के थ्रू वो मेंटेन रहता है उसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल कहते हैं, जो हमारे 6.3 फिगर में दी गई हुई है। लेट मी शो यू दैट, दिस इज द फिगर। तो यहाँ पर वाटर साइकिल है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेक, रिवर और सी और ओशन सभी में सन की रेस की वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस्ड होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, इसलिए वो हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाते वो बादल बनाता है, और वहाँ पर क्योंकि एटमोसफियर ठंडा होता है तो वो स्टीम जो है वो ठंडी होकर नीचे गिरती है रेन के थ्रू। कभी कभी वो रेन के थ्रू और कभी कई जगह पर वो स्नो के थ्रू भी गिरती है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा कूल हो वो। तो ये पूरी वाटर साइकिल है। नाउ वी डिस्कस दिस इन डिटेल। वाटर फॉर्म ओशन, सीज, रिवर ऑन अ हीटिंग बिकम अ वाटर वेपर एंड राइस अप इन द एयर थ्रू द इवेपोरेशन, यानी वाटर का कोई भी फॉर्म चाहे ओशन, सी हो, रिवर हो, वो हीट होता है और वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और राइस यानी कि ऊपर चढ़ता है एयर के थ्रू, और फिर वो और इस प्रोसीजर को इवेपोरेशन कहते हैं। द वाटर वेपर देन कूल्स इन चेंज इन टू मिनट्स वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के यानी ये जो वाटर वेपर है वो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एटमॉस्फेयर में मिल के वो कूल हो गई और पानी की छोटी छोटी बूंदें बन के वो ज़मीन पर आती है। तो ऊपर जो ठंडे होने की प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ अ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड्स, यानी
ये वाटर वेपर जो ऊपर जाती है वो जॉइंट टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ मिलकर क्लाउड्स को फॉर्म करती है। उन कूलिंग फर्दर देन द टाइनी ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड्स बिकम अ लार्जर एंड फॉल एज रेन। यानी अभी ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो साथ में मिलकर क्लाउड्स बनाती है और अब बड़े होकर ठंडे होकर वो पानी की बूंदे बनकर और पानी के ड्रॉप्स बनकर नीचे गिरते हैं जिसे हम रेन्स कहते हैं। सो दिस इज नोन एज अ प्रिसिपिटेशन और ये प्रोसीजर है उसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन हैपन्स ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ अ स्नो और हेल यानी स्नो और हेल के फॉर्म में भी ये होता है। प्रिसिपिटेशन हेल्प्स टू मेंटेन अ सप्लाई ऑफ अ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ यानी अर्थ पर जो भी फ्रेश वाटर की सप्लाईज है उसको मेंटेन रखने का जो मेन सोर्स है वो प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल है, क्योंकि रेनफॉल से जो पानी गिरता है वो खारा नहीं बल्कि फ्रेश होता है यानी पीने लायक होता है। दिस रेनफॉल स्नोफॉल फील्स द ग्लेशियर रिवर्स लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस एंड इवेंचुअली गोज बैक टू द ओशन दस द कंप्लीटिंग द वाटर साइकिल। यानी अभी ये जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेनफॉल या स्नोफॉल होता है वो ग्लेशियर को फीड यानी ग्लेशियर को पानी प्रोवाइड करता है, रिवर्स को, लेक्स को और अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को, और इन सब कंबाइंड मिलकर इवेंचुअली ये सारे जो है वो ओशंस में जाते हैं और इसी तरह से हमारी वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है और कंप्लीट होती है। नाउ वी डिस्कस ओशंस। द ओशंस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट जो है वो ओशंस ने रोका है। देर आर अ फाइव ओशन, आर्कटिक, एटलांटिक, इंडियन, स्पेसिफिक एंड साउथर्न ओशन। द फाइव ओशंस आर अ कनेक्टेड विथ ईच अदर और ये पाँचों के पाँचों ओशंस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, विच मीन्स दैट द लेवल ऑफ सी वाटर्स रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और क्योंकि ये पाँच एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इसीलिए सारे ओशंस में वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। दिस इज कॉल्ड द सी लेवल यानी सारे ओशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और इसीलिए वाटर का लेवल जो मेंटेन रहता है उसे सी लेवल कहते हैं। यानी कोई भी ओशंस में ज़्यादा या कम पानी हमें देखने को नहीं मिलता है। नाउ वी डिस्कस द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड द कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस यानी अर्थ की सरफेस में अर्थ की सरफेस को 30% जो है वो पैसिफिक ओशन जो है वो कवर करता है और पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। द अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड हियर। द चैलेंजर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच 10,994 मीटर डीप यानी मारियाना ट्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है जिसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन, मोर देन 25,000 आइलैंड्स यानी दुनिया के ज़्यादातर आइलैंड्स जो है वो हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, मोर देन 25,000। Most of the world's active and dormant volcanoes are also located in a Pacific Ocean basin in a belt called the Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire भी से कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि दुनिया के ज़्यादातर एक्टिव यानी जो बर्स्ट होते हैं वो volcano और dormant यानी जो बर्स्ट नहीं होता है ऐसे volcano जो है वो हमें Pacific Ocean के basin के आसपास देखने को मिलते हैं और ये पूरा belt जो है उसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट इज एटलांटिक ओशन। द एस शेप एटलांटिक ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप ऑन इट्स ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन इट्स वेस्ट यानी इसके वेस्ट साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखने को मिलता है और इसके ईस्ट साइड जो है हमें अफ्रीका और यूरोप देखने को मिलते हैं और एटलांटिक ओशन जो है उसका शेप जो है वो एस है। द इक्वेटर डिवाइड्स इनटू नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड साउथ एटलांटिक ओशन यानी इक्वेटर जो है वो एटलांटिक ओशन को नॉर्थ एटलांटिक ओशन और साउथ एटलांटिक ओशन में डिवाइड करती है।
दिस इज द सॉल्टीएस्ट ओशन, यानी ये सभी में सबसे खारा ओशन है. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल हैज़ार्ड्स associated with this oceans are icebergs and the hurricanes. Hurricane Katrina in 2005 was one of the most destructive hurricanes ever. यानी ज़्यादातर oceans की वजह से जो भी natural hazards देखने को मिलते हैं उनमें से एक जो है वो इस ocean की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें Hurricane Katrina जो है 2005 में देखने को मिला था the most destructive, यानी इसके वजह से बहुत भारी मात्रा में लोगों को नुकसान देखने को मिला था. नेक्स्ट इज इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन इज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन ईस्ट एशिया. यानी इंडियन ओशन जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट एशिया के पास. द पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशन. यानी पर्शियन ऑफ गल्फ, रेड सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये तीनों जो है वो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है. इंडिया लाइज एट इट्स हेड, यानी इंडिया जो है वो ओशंस के हेड यानी ऊपर देखने को मिलता है, ऊपर की ओर. वैसे सर यहाँ हेड मीन सर नहीं, बट ऊपर की ओर. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर अ ट्रैवल एंड अ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया. यानी ये ओशन जो है वो ट्रेड यानी व्यापार और ट्रैवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर यूरोप एंड एशिया. वी डिस्कस द नेक्स्ट ओशन, दैट इज़ अ आर्कटिक ओशन. द आर्कटिक ओशन इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फाइव ओशन. यानी पांचों ओशन में सबसे छोटा ओशन जो है वो है आर्कटिक ओशन. द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, यूएस एंड कैनेडा एंड नॉर्थन सी रूट, नॉर्वे एंड रशिया आर टू इम्पॉर्टेंट सीजनल वाटर्स वेज. यानी इस ओशन पे दो इम्पॉर्टेंट सी रूट देखने को मिलते हैं, एक यूएस और कैनेडा के बीच में और एक है नॉर्वे और रशिया के बीच में. ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट और नॉर्थन सी रूट, बट ये दोनों रूट जो है वो सीजनल रूट है. ड्यूरिंग विंटर दिस ओशन इज़ अ फ्रोजन. यानी विंटर के टाइम पर ये ओशन जो है वो पूरा फ्रोजन रहता है, यानी जमा हुआ रहता है. हाउएवर द आइस मेल्ट एंड फॉर्म अ लार्ज आइसबर्ग एंड अ फ्लोटिंग आइलैंड ड्यूरिंग द समर. यानी विंटर में ये जमा हुआ रहता है, बट जब समर आता है तब ये आइस जो है वो मेल्ट होती है. इसकी वजह से जो है आइसबर्ग देखने को मिलता है और जो आइलैंड जमने की वजह से, यानी विंटर में जो जम गए थे पानी उसकी वजह से नहीं दिख रहे थे, वो समर में पानी के मेल्ट होने की वजह से फ्लोटिंग यानी कि दिखाई देते हैं. साउथर्न ओशन. द साउथर्न ओशन इज लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल अक्रॉस अ एंटार्क्टिक सर्कल इन अ साउथर्न हेमिस्फीयर. यानी साउथ ओशन जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल और एटलांटिक को क्रॉस करते देखने को मिलता है. अब थर्ड लेयर, दैट इज एटमोसफियर, यानी थर्ड रियम्स. कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट ब्रीदिंग. यानी हम बिना सांस लिए जी सकते हैं, क्या आप ऐसा इमेज कर सकते हो. वी नीड एयर फॉर दिस, यानी ब्रीथ करने के लिए हमें एयर चाहिए. द रियम्स ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज अ कॉल्ड द एटमोसफियर. यानी वो क्षेत्र जो हवा कवर करती है उसे एटमोसफियर कहते हैं, या फिर हमारे अर्थ के आसपास एयर का जो ब्लैंकेट देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एटमोसफियर. इट रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी. और ये सारे गैसेस जो है और एयर जो है वो हमारे अर्थ पर देखने को हमें क्यों मिलती है, तो उसके पीछे का रीज़न है अर्थ की ग्रेविटी. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सारे वायुओं को और सारे गैसेस को अर्थ पर खींच कर रखती है. इट एक्सटेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर अबोव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बियॉन्ड इट इज़ अ एयरलेस स्पेस. यानी अर्थ की सरफेस से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हमें एयर देखने को मिलती है. अब उनकी डेंसिटी अलग अलग रहती है पर देखने को मिलती है, और उसके बाद जो है एयरलेस यानी कि स्पेस शुरू हो जाता है. एज वी गो हायर द डेंसिटी ऑफ
एयर कीप डिक्रीजिंग, एज इफ आई टोल्ड के जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ऊपर की ओर, एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी हवा जो है वो पतली होने लगती है। दैट इज़ वाई एज वी गो हायर अप इन द माउंटेन्स वी फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। और इसीलिए जब हम पहाड़ों को चढ़ते हैं, छोटे मोटे पहाड़ इट्स ओके, बट अगर हम माउंट एवरेस्ट या माउंट मैकनी जैसे पहाड़ों की बात करें, जितनी हम ऊपर जाते हैं वैसे ही वहाँ की डेंसिटी, हवा की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। सो दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ एटमोसफियर, सो लेट्स वी डिस्कस दैट। कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर, यानी एटमोसफियर में हमें कौन कौन से वायु और कितनी प्रमाण में देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजन है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर है वो 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड आर्गन जो है वो 0.93% हमें देखने को मिलता है, और ये कंबाइंडली कंपोज होकर हमारे एटमोसफियर को बनाते हैं। डस्ट, पोलन, सॉल्ट, बैक्टीरिया एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। इन सारी गैसेस के अलावा डस्ट, पोलन, सॉल्ट, बैक्टीरिया और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें भी हमें एयर में देखने को मिलती हैं। नाउ वी डिस्कस द लेयर ऑफ द एटमोसफियर। सो बिफोर वी डिस्कस दिस रिटन इंफॉर्मेशन, लेट वी डिस्कस द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर, जो अर्थ की सरफेस से 16 किलोमीटर देखने को मिलता है, जहाँ हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, ये याद रखना कि जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन्स जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं, ये बलून्स भी, और 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जितना एरिया है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में एक इम्पॉर्टेंट लेयर देखने को मिलता है, वो है ओजोन लेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट लेयर, दैट इज़ अ मीजोस्फीयर। मीजो का मतलब होता है मिडल और फियर का मतलब होता है लेयर, यानी बीच का लेयर। इसके नीचे दो लेयर और मीजोस्फीयर के ऊपर दो लेयर, और इसलिए इसे कहते हैं मीजोस, यानी कि मिडल लेयर। तो रेडियो वेव्स जो है वो हमें मीजोस्फियर में, और मीटियोर्स जो है वो भी हमें मीजोस्फियर्स में देखने को मिलते हैं। ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक बीच का जो पार्ट है वो है। देन थर्मोस्फियर, तो थर्मोस्फियर जो है वहाँ पर सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। तो रेडियो वेव्स जो है वो वहाँ जाकर रिफ्लेक्ट होकर फिर टीवी में आकर हमारा ब्रॉडकास्टिंग का जो है वो वर्क होता है। और ये लेयर जो है वो 85 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक रहता है। और लास्ट इज़ अ एग्जोस्फियर, यानी 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। ये लेयर जो है वो कभी कभी स्पेस के साथ मिक्स हो जाता है, पर इस लेयर्स में जो है वो स्पेस स्टेशंस देखने को मिलते हैं। स्पेस स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ। सो नाउ वी डिस्कस वर्ड टू वर्ड। लेयर ऑफ द एटमोसफियर, द एटमोसफियर कैन बी डिवाइडेड इनटू द लेयर बेस्ड ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर एट अ डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग लेयर पर और एयर के अंदर जो भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग एटमोसफियर को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है। द ट्रोफोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर एंड ऑल्सो द मोस्ट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर जो लाइफ देखने को मिलती है वो ट्रोफोस्फियर में होती है। द ट्रोफोस्फियर एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक का जो भी एरिया है वो ट्रोफोस्फियर कवर करता है। मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमना आर नोटिस्ड हियर, यानी वेदर चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलते हैं। एक्सटेंडिंग टू अबाउट 50 किलोमीटर अबाउट द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, यानी 50 किलोमीटर से
ऊपर ट्रोफोस्फियर के ऊपर हमें स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलता है, और स्ट्रेटोस्फियर इसलिए इम्पॉर्टेंट कि उसके ऊपर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है. सो दिस लेयर दैट मीन्स ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लीथल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ अ सन, यानी सन से जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेसेस आते हैं जिसके थ्रू हमें आइज की, स्किन की और कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. तो ऐसी हार्मफुल रेस को जो है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. द मीजोस्फियर विच एक्सटेंड्स अबोव द स्ट्रेटोस्फियर इज अ वेयर मैनी मीटियर्स गेट अ बर्न एज द एंटर द अर्थ एटमोसफियर. दिस स्ट्रेच्ड टू अबाउट 85 किलोमीटर्स, 50 to 85 किलोमीटर्स मीजोस्फियर देखने को मिलता है. ये बीच का लेयर है. मीटियर्स जो एटमोसफियर में एंटर होते ही बर्न हो जाते हैं वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ये लेयर देखने को मिलता है. द थर्मोस्फियर दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइनोस्फियर ओवरलैप द मीजोस्फियर एंड द कंटिन्यू अबाउट 640 किलोमीटर्स, यानी 640 किलोमीटर्स तक हमें थर्मोस्फियर देखने को मिलता है, जिसे आइनोस्फियर भी कहा जाता है, जो मीजोस्फियर के ऊपर है. द आइनोस्फियर इज इम्पॉर्टेंट एज इट्स इलेक्ट्रीफाइड द मॉलिक्यूल्स और आयन्स मेक द रेडियोस एंड टेलीविजन वेव्स ट्रांसमिशंस पॉसिबल, यानी जो भी ट्रांसमिशंस पॉसिबल हो पाती है हमारे टेलीविजन्स पर, हम जो टीवी शोज इंजॉय कर पाते हैं, और जो रेडियो वेव्स जिस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आती है वो है थर्मोस्फियर. All satellites are therefore stationed in this layer. और सारी satellites जो है, broadcasting satellites हो या कोई भी satellites हो, ज़्यादातर broadcasting satellite की मैं बात कर रही हूँ, वो हमें इस layer पर देखने को मिलती हैं. Beyond the thermosphere, ionosphere is a exosphere, यानी thermosphere जिसे ionosphere भी कहा जाता है, उसके ऊपर जो layer देखने को मिलता है that is exosphere, which is made up of extremely rarefied air, यानी ये layer जो है वो rarefied air से बना हुआ होता है. Let me explain the meaning of a rarefied. The air which do not contain oxygen, यानी ऐसी air जिसके अंदर हमें oxygen देखने को नहीं मिलता, that is called rarefied air. तो ऐसी air जो है वो exosphere में देखने को मिलती है. It extends to about 10,000 किलोमीटर, और ये जो है वो 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है. Space stations are located at its lower margins and the exospheres merge with the outer space. स्पेस स्टेशन जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं, और एग्जोस्फियर जो है वो स्पेस के साथ कभी कभी मर्ज हो जाता है. जस्ट वाई इज़ द एटमोसफियर इम्पोर्टेंस, यानी नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफियर. इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ, यानी अर्थ को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एटमोसफियर जो है वो ज़रूरी है. Air has a weight and it's exert a pressure on the earth surface. यानी air जो है वो bearing the weights. अगर मैं example दूँ तो tire जो है वो टायर बिना air का और उसमें air डालने के बाद दोनों के वजन में बहुत फ़र्क होता है. तो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल. वैसे ही air जो है वो weight carry करता है, और इसी की वजह से वो प्रेशर भी क्रिएट करता है. यानी जो चीज़ें वज़न कैरी करते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो प्रेशर की वजह से अर्थ की सरफेस जो है हमें उसमें फील होता है. सो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अ हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिक्रीज विद इन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी लेवल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ की सरफेस पर हाईएस्ट देखने को मिलता है. उसमें भी अगर सी या ओशंस है तो वहाँ पर सी कोस्ट पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. तो जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं यानी ज़मीन से ऊपर की ओर जाते हैं, एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई अ टेम्परेचर, यानी एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है. तो किस तरह से होता है, लेट्स वी डिस्कस दैट. वेन एयर गेट हीटेड इट बिकम द लाइट एंड अ राइज अप,
यानी एयर जब गर्म होती है तब उसके वजन कम हो जाता है, राइस अप यानी कि वो ऊपर की ओर जाती है। द राइजिंग एयर कॉज अ लो एयर प्रेशर, और ये गर्म हवाएं जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। लाइक वाइज वेन एयर कूल्स, वैसे ही जब एयर ठंडी होती है, इट्स बिकम हैवी एंड सिंक डाउन, यानी कि क्या अब हवाएं जो गर्म हो रही हैं ठीक है वो लो एरिया प्रेशर क्रिएट करती है, वैसे ही ये ठंडी हवाएं जो है वो वजन में हैवी होती है और इसी की वजह से सिंक डाउन यानी वो नीचे की ओर आती है ऊपर से। एंड द सिंकिंग एयर कॉज अ हाई एयर प्रेशर, और ये जो कूल एयर है वो हाई एयर प्रेशर को क्रिएट करती है। दिस कॉज द मूवमेंट्स ऑफ एयर कॉल द विंड्स, और इसी की वजह से हमें और लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर जो है उसकी मूवमेंट्स की वजह से हमें विंड्स देखने को मिलते हैं। विंड्स मतलब कि बहती हवा को हम विंड्स कहते हैं। फॉर रीजन्स ऑफ अ हाई प्रेशर टू रीजन्स ऑफ अ लो प्रेशर, तो किस तरह से विंड्स फ्लो होती है या फिर बहती है कि हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी लो प्रेशर एरिया ज़मीन की सरफेस पर हवा आती है, हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये गर्म हवाएं ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ठंडी होके हैवी हो जाती है, वापस नीचे आती है, वापस गर्म ऊपर गर्म, तो ये चलता रहता है और इसी की वजह से विंड्स जो है वो क्रिएट होती हैं और दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द रेनफॉल ऑल्सो वन ऑफ द बायोस्फीयर। द इंटरेक्शन बिटवीन अ लिथोस्फीयर और अ लैंड, हाइड्रोस्फीयर और अ वाटर एंड एटमोस्फीयर ऑफ एयर गिव्स द ओरिजिन टू द रियम्स ऑफ और अ जोन ऑफ अ लाइफ कॉल्ड द बायोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर कंबाइंडली ये तीनों क्षेत्र मिलकर एक न्यू रियम्स और एक न्यू जोन बनाते हैं, लाइफ को क्रिएट करते हैं, और वो जोन जो हमें देखने को मिलता है लाइफ का जोन उसे कहते हैं बायोस्फीयर। एज यू कैन सी द फिगर 16.6, मोस्ट ऑफ द लाइट्स फॉर्म आर फाउंड इन द नैरो बेल्ट ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अ लैंड एंड वाटर वेयर इट इज सराउंडेड बाय एयर। दे टॉक अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए तो ये एटमोसफियर, लिथोसफियर और हाइड्रोस्फियर इन सभी के साथ देखिए लाइफ कनेक्टेड है और ये तीनों लेयर कंबाइंडली मिलकर बायोस्फीयर को बनाते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ अ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम अ टाइनीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लार्जेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस कॉन्टेक्ट जोन दैट बिकम देयर हैबिटेट, अ नेचुरल एनवायरमेंट वेयर लाइफ थ्राइव्स एंड मल्टीप्लाइज। नाउ दे गिव अस अ डेफिनेशन ऑफ द हैबिटेट्स, यानी कि छोटी से छोटी साइज के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सारे मिलकर जिस जोन ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर जिस जोन में रहते हैं उसे उसका हैबिटेट कहते हैं, कि जहाँ पर उनका नेचुरल इन्वायरमेंट्स हो, उनकी लाइफ को जीने के लिए जो भी सूटेबल एटमोसफियर चाहिए वो उनको जिस जहाँ पर प्रोवाइड हो उसे उसका नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, और जहाँ वो आसानी से मल्टीप्लाइज और जहाँ उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके और उनका ग्रोथ हो सके। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स इज नोन एज अ इकोसिस्टम, यानी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जीव, अभी इसका मतलब हम जीव रहते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो है उसका मतलब होता है जीवाणु। विद ईच अदर्स यानी जब नॉन लिविंग्स और लिविंग थिंग्स एक दूसरों के साथ एक सेम एनवायरनमेंट शेयर करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ बोथ लिविंग और अबायोटिक एंड अ नॉन लिविंग और अबायोटिक पार्ट्स। एज इफ आई टोल्ड कि लिविंग जो है उसे बायोटिक कहा जाता है और नॉन लिविंग जो है उसे अबायोटिक कहा जाता है, तो लिविंग मीन्स दोजो ग्रोथ ब्रीथ और जो जिंदा चीज़ें हैं जिसके अंदर जान है वो, और नॉन लिविंग्स यानी कि
दोज डोंट कंटेन द ब्रीथ एंड ग्रोथ नहीं होता, ऐसी सारी चीज़ें। वैसे ही बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें कंबाइंडली मिलाकर इकोसिस्टम को बनाती हैं। द अबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लैंड वाटर एयर वेल द बायोटिक और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स दैट आर अ क्लोजली इंटरडिपेंडेंट। यानी अबायोटिक जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करते हैं जो लैंड वाटर और एयर से कंसिस्ट होता है, वर बायोटिक और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो ऑल लिविंग थ्रू से बनता है, और ये फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे से क्लोजली इंटर डिपेंडेड होते हैं। दिस लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विथ अदर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर्मिंग द डेलीकेट नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशनशिप। यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेड रहती है और इस तरह से इंटरकनेक्टेड होके एक खास तरह का इंटर रिलेशनशिप जो है वो बनाती है और इस तरह से पूरा वो नेटवर्क क्रिएट करती है। यानी वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंडेड रहते हैं। इन नेचर there is an ecological balance between a living things and a non living things, the biological environments and the physical environments। yani ecological balance use kehte hain jahan par living things aur non living things jo hai wo dono balance mein rahe, aur living things ke liye biological environments hote hain aur non livings ko hum physical environment। दिस बैलेंस इज अपसेट्स वेन एवर एनी वन ऑफ दिस थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज। यानी लिविंग और नॉन लिविंग या फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हमें मेंटेन देखने को नहीं मिलता या फिर अपसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इनडिस्क्रिमिनेट द डेवलपमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन हैज़ रिजल्ट इन द लॉस ऑफ अ फॉरेस्ट कवर एंड पॉल्यूशन। यानी कि अगर हम बिना सोचे समझे डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेस्ट का एरिया हम ज़्यादा काट डालेंगे, तो इसकी वजह से ये नॉन लिविंग और फिजिकल इन्वायरमेंट्स की वजह से जो है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और इसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से इसका बैलेंस जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वो डिस्टर्ब होता है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस के ह्यूमंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जीव जो हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिज्म यानी जीव जो हमें देखने को मिलते हैं नेचर में उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है हम। हाउएवर इट इज़ अ मेनली देयर एक्शंस दैट अपसेट द बैलेंस इन नेचर। पर फिर भी हम ही हैं जो नेचर के बैलेंस को क्या कर रहे हैं अपसेट कर रहे हैं थ्रू आवर वेरियस एक्शन बाय द कटिंग द फॉरेस्ट बाय फैक्ट्री और इन सब की वजह से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। द फोर रियम्स ऑफ द अर्थ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स एंड ऑल द ह्यूमन ग्रोथ प्लानिंग एंड प्रोग्रेस मस्ट मेक श्योर दैट द बैलेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज मेंटेन्ड। दैट मीन्स कि ये चारों के चारों रियम्स जो है लिथोस्फीयर एटमोसफियर बायोस्फीयर्स तो ये हाइड्रोस्फीयर तो ये चारों के चारों जो है वो इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसकी वजह से किसी ना किसी तरीके से हम जो है वो इस बैलेंस को बिगाड़ रहे, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस बैलेंस को मेंटेन करें ना कि बिगाड़ें। It is only then the earth at its valuable source that can be saved for the future generation। यानी हमारे पास आने वाली पीढ़ी को सेव देने के लिए और फ्यूचर के लिए बचाना होगा हमारे अर्थ को,
क्योंकि अर्थ जो है वो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। अगर अर्थ में ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आने वाली पीढ़ी या फिर हम ही किस तरह से जी पाएंगे। लास्ट कॉर्नर इज जियो कनेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स ट्रैप द सन हीट इन एटमोसफियर एंड डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप। यानी ग्रीन हाउस गैसेस पहले तो किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो है उसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ये जो है इमिटेड यानी कहाँ से फैलते हैं, तो इंडस्ट्री से, व्हीकल से और बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ इतने ही दी गई है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सन की रेस जो है उसको एटमॉस्फेयर में आने तो देते हैं पर एस्केप यानी जाने देते नहीं हैं, और इसकी वजह से वो सन की रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सन की रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसके साथ सन में जो रेज़ के साथ जो गर्मी आ रही है हम उसको भी एब्जॉर्ब कर लें। सो दिस हीट इज़ देन री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, यानी ये हीट जो है वो हर एक जगह तक और हर एक डायरेक्शन में फैलने लगती है। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो होता है एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी सन की रेज को हम ट्रैप कर लेते हैं। द हाई लेवल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज द अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉजिंग द फिनोमेना ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अर्थ की में सन की रेस को आने देते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एस्केप नहीं होने देते। इसकी वजह से अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इस सिचुएशन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं और अर्थ का टेम्परेचर हाई होता है। विद दिस वी आर एंडिंग आवर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन।